डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, वरासत में कुर्सी मिल सकती है किस्मत नहीं। खबर चंदौली से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य एक दिवसीय दौरे पर चंदौली जनपद पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विकास योजनाओं के बारे में हाल जाना, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को, पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और उनसे योजनाओं के मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में अखिलेश जीत रहे थे, जनता उनको हरा रही है। 2024 में जहां सपा बची वहां भी कमल खिलेगा। अखिलेश 2014 से में कहे थे कि हम 60-70 सीट जीतेंगे पर 4 सीट पर सिमट गए। अखिलेश यादव जी अहंकार से भरे हुए हैं, मैं बार बार कहता हूं, उनको विरासत में सीएम की कुर्सी मिली है, विरासत में समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मिली है, वरासत में मुलायम सिंह यादव की संपत्ति मिल सकती है लेकिन किस्मत नहीं मिल सकती। हाँ, वो उत्तर प्रदेश से अभी 2022 में 400 सीटें जीत करके हमारी सरकार हटा रहे थे, वो 2014 से जीत रहे हैं लेकिन जनता उनको हरा रही है। 2024 में आप विश्वास रखिएगा, जहां सपा बची भी है वहां भी कमल खिलेगा। मिर्जापुर में एक युवक ने योगी मोदी की तारीफ करने पर उसकी कुचल कर हत्या कर दी, ये बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका जो दोषी है उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई। सीएम का G20 में बनारस में वायरल किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो देखा भी नहीं हूँ क्या ट्रोल किया जा रहा है क्या नहीं ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटिया हरकत समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है उस मानसिकता से रोगग्रस्त कह लीजिए, वही लोग इस तरह का काम करते हैं। दूसरे राज्य की सरकार संविधान है और आगे खिलेगा। धन्यवाद। तो कह रहे हैं ना कि 80 लाओ भाजपा हटाओ। अखिलेश जी तो 2014 से कह रहे हैं, 2014 में कहे हम 60-70 सीटें जीतेंगे, 4 पर सिमट गए। 2017 में उन्होंने कहा 300 पार करेंगे, 47 में सिमट गए। 2019 में सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न चकनाचूर कर दिया जनता जनार्दन ने। और 2022 में 400 जीत रहे थे और आज कहां पर खड़े हैं। तो अहंकार भगवान का भोजन है और श्री अखिलेश यादव जी अहंकार से भरे हुए, उनको मैं बार बार कहता हूं, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, विरासत में समाजवादी पार्टी की अध्यक्षी मिली है और वरासत में उनको श्री मुलायम सिंह यादव जी की संपत्ति मिल सकती है, ये नहीं मिल सकता।